Grand finale of Sandeep Soparkar's India First Dance Week Season 4 was held at the Phoenix Market City Kurla Mall, where a variety of dance forms were staged by professionals and artists. A host of B-towners too came to be part of the competition, like cricketer Vinod Kamble, singer Shivani Kashyap, actors Sangeeta Bijlani, Sharbani Mukherjee, Karan Mehra, Naved Jafri, Meghna Malik and a host of others. पहले तो बहुत बड़ी बात है कि ये एक कॉज के लिए कर रहे हैं, जो बहुत कम लोग करते हैं, अपने लिए सब कुछ करते हैं, सब लोग करते हैं, मगर कोई दूसरों के लिए करे वो बहुत बड़ी बात है. तो आई वुड लाइक टू कमेंड हिम ऑन डूइंग सच अ ब्यूटीफुल वंडरफुल इवेंट ओवर हियर. दैट इज ही इज अलाउइंग द टैलेंट, जो बच्चे हैं, जो यंग यूथ है हमारी इंडिया की, उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है डांस करने के लिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, और एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए. कल हेलन जी आई थी, आज मेरे सारे टेलीविजन के फ्रेंड्स आए हुए हैं, संगीता जी आई हुई हैं. इट फील्स सो वंडरफुल कि सबका सपोर्ट मिलता है. आई थिंक जो बच्चे यहाँ पे आते हैं वो उसी बात को सोच के आते हैं कि उन्हें लोगों को देखने को मिलेगा, उनसे सीखने को मिलेगा. एंड आई थिंक एक एक टिप जो लोग देते हैं, हमारे जजेस देते हैं, आई थिंक दैट मेक्स मच अ डिफरेंस इन द लाइफ. और ये प्लेटफॉर्म ही है सीखने का, एंड आई एम सो हैप्पी इससे सब लोग सीख रहे हैं. एंड उसके अलावा जो हम लोग डांस फॉर अ कॉज जो करते हैं, कल हमने एस एन टैक के ऊपर किया था, आज हम लोग स्माइल फाउंडेशन बच्चों के लिए कर रहे हैं. तो इट्स अबाउट एक्सप्लेनिंग पीपल दैट डांस इज अ वे टू लर्न, एजुकेट, नॉट जस्ट एंटरटेन. और यही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं. जो स्माइल फाउंडेशन संदीप जी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत मैं तो शुभकामना ही दूंगा उनको, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब एनजीओ के साथ ही मिलकर. एंड संदीप जी से बहुत 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 अच्छे, आपको सबको पता है कि बहुत अच्छे डांसर है वो, और सबको शिक्षा देते वो. और ये बहुत बड़ी बड़ी महानता होती है, क्योंकि जब गुरु जी संदीप जैसे हो, बहुत सारे बाकी के जो हैं, तो सब गुरु जी से, अगर गुरु जी से कोई कुछ सीख लेता है तो उसे अपना भारत का भविष्य जरूर बढ़ेगा. खाली ये डांसर्स के लिए ही प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि ये एक पंथ और दो काज वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे जो एनजीओज के साथ भी एसोसिएशन है, जो उन लोगों का जो काम है, जिस तरह से यू नो विदाउट एनी, चाहे वो बच्चों की जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन हैं उनके एजुकेशन को लेकर जो एनजीओ काम कर रही है, स्माइल फाउंडेशन है एनजीओ का नाम. सो इससे वो एनजीओज के साथ भी जुड़ रहे हैं, डांसर्स को भी ला रहे हैं, आम तमाम दुनिया में, लोगों में, पब्लिक में वो अवेयरनेस भी क्रिएट करना चाह रहे हैं. तो बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे नहीं मालूम था कि ये फोर्थ सीजन है. सो इट्स प्रीटी सक्सेसफुल बिकॉज इट्स इन द फोर्थ सीजन. आई विश देम ऑल द लक फॉर द कमिंग ईयर्स ऑल्सो. सेकेंड डे है इंडिया डांस वीक का, और कल के धमाके के बाद आज तो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई है, और आज तो कॉम्पिटिशन टाइम है. तो बहुत से कंटेस्टेंट्स आए हैं, आई थिंक 23 कंटेस्टेंट्स आर देयर, 23 ग्रुप ऑफ कंटेस्टेंट्स. और काफ़ी सारे एक्साइटमेंट मैं देख रही हूँ, अटेंडिंग द रिहर्सल्स, और बहुत ही जोर शोर से चल रहा है. तो वी वेरी एक्साइटेड. डांस ऐसी चीज़ है, हम हमेशा सपोर्ट करते हैं, और 18 साल बनाया बोगी बोगी, उसके बाद अभी तो फिलहाल बंद है, बट आई एम कमिंग बैक विद अ वेरी बिग शो. लेकिन जहाँ भी मुझे मौका मिलता है जज करने का, देखने का, टैलेंट को देखने का, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कहीं भी हो. और संदीप हमारे पुराने दोस्त हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका डांस स्टूडियो है बॉल रूम, उनसे बेटर मेरे ख्याल में इंडिया में कोई है नहीं. तो उन्होंने इन्वाइट किया, हम आ गए,
I'm always there for Sandeep. I've known him for years, and काफी चीजें हम लोग ऐसे करते रहते हैं. He called me for this, and I could not, of course, say no. Plus, it's very different. I'm here as a jury member. आजकल jury वाला पता नहीं कुछ ज़्यादा चल गया मुझे लग रहा है, because last week I was doing Supermodel International, and then this happened. It's nice. एक अलग किरदार में भी मुझे लोग देख सकते हैं, maybe as a judge. And fashion is something that I've done before, so that's why I was doing the international model thingy. So it's nice to be here, and nice here to be for a cause as well. मैं पहली बार कर रही हूँ, and Sandeep is again a dear friend. We all are here for him, and he is doing a very nice cause. Dance competition and absolutely free, no charges, nothing for the students. So I think he's giving platform to all the talented people, and we all are here to support them and Sandeep and for his noble cause. So we are going to have fun. I love dancing. I love people who dance is very good. So मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा डांस देखना, कोई अच्छा गाता है. It's a creativity, it's a talent, and we must appreciate it. I'm expecting कि बहुत धमाल होने वाला है यहाँ पे, and I was judging this last year also. So I'm sure that quality or standard और भी ज़्यादा high हो गया होगा. And I think it's for a very good cause. So I think let's all enjoy it more than the competition. Now let's enjoy the spirit of you know India Dance Week. And Sandeep Subhagar is a dear friend. तो वो मतलब जो भी करते हैं इतना noble cause है. We're always together and whatever we all do together. It's like a lovely, I would say, lovely thought. The cause behind it is wonderful. So that's what I'm here for. आज की इवनिंग से मेरे को तो बेसिकली फन एक्सपेक्टेशंस हैं. मैं खुद संदीप के स्टूडेंट हूँ. एक महीना पहले मैंने शुरू किया है. बहुत ख़राब हालत है मेरी. सो फॉर मी आई एम लाइक स्केर्ड एंड आई एम लाइक गुड आई एम गोइंग टू एंजॉय वॉच समथिंग डिफरेंट. एंड मेरे लिए एक और कारण भी इधर होने का बिकॉज ऑफ द कॉज विच ही वर्क्स फॉर. सो द एनजीओज दैट जिसकी वजह से अवेयरनेस आ रही है और लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे लोग हैं जो मदद कर रहे हैं. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई मेन reasons to be here. But basically I just come to enjoy. Honest thing is that only. I'm very 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 excited for Dance India Week season 4 aur main again third time mein judge bani hu and I just want ki hamesha ki tarah ye is bar bhi rock aur I know ki ye hoga. We are 7 judges here and everyone is so sweet and so charming. Aur jahan tak ye baat aaj ke dance ki, hamesha yahi hota hai ki hum जब जज करने वाले होते हैं लास्ट में तो हम एक दूसरे की शक्ल देखने लग जाते हैं क्योंकि एवरीवन इज सो गुड सो सुपर्ब. एंड डांस इंडिया वीक फेस्टिवल जो संदीप जी ही इज अ गॉडफादर फॉर मी जो हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं वी यू नो वी जस्ट लाइक टू सी वेरियस डांसर्स एंड टैलेंट्स जहाँ अलग अलग दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं जितना कुछ वो अरेंज कर रहे हैं. इट्स रियली रियली रिस्पेक्टेबल. आई अडोर हिम एंड थैंक्स टू हिम कि हमें इतना अच्छा मौका मिल रहा है उनकी वजह से आगे आने का ये सब वर्कआउट करने का. और अगेन मैंने स्टेज पे पहले भी बोला था अभी भी बोलने वाली हूँ ये कंटेस्टेंट के लिए नहीं हम लोगों के लिए टफ होने वाला है. And Sandeep is a very good friend of mine and I believe he's the best ballroom dance guru in India. Yeah. And the best part jo wo ye Dance India Week karte hain, this is the fourth year Dance for a Cause. I really love that title. And jitna wo dance ko sirf glamour way mein hi leke nahi jata, jahan tak main janta hu wo street bachcho ko bhi dance sikhate hain. Unka ek school chalta hai jo street bachcho ko dance ki education deta hai. So I'm really happy and I'm excited कि हम यहाँ पे अपने web series का promotion कर रहे हैं. And I wish all the very best to Sandeep and his team and India Dance Week, Dance for the Cause. When it's for a social cause, it's a good thing that many artists associate themselves with it.